नमस्कार आदाब आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्तमान दौर में कोरोना विषाणु जो कि चीन के वुहान शहर से निकलते हुए आज विश्व के तमाम देशों में फैला, एक बृहद महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी को देखते हुए कई देशों की सरकारों ने लॉकडाउन की व्यवस्था की ताकि हम आप सभी सुरक्षित हो सके। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पेपर के माध्यम से, और आपको जानकारी होगी कि 22 मार्च से भारत में लॉकडाउन जारी है। इसी लॉकडाउन में जैसा कि शासन से यह आदेश आया कि आपकी कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, तो इस सरकार के आदेश का पालन करते हुए हम सभी प्रवक्तागण, महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य जी सहित बैठ कर यह निर्धारित किया गया ताकि आपकी कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जाए। इस ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा आपको पीडीएफ फाइल भेज दिया जाएगा और कुछ भेजा भी गया है, तथा आप उक्त विषय में जो भी प्रवक्ता हैं आप उनसे जो आपको एक समय निर्धारित करके किया जाएगा, उस निर्धारित समय में वीडियो जारी होने के बाद, ऑनलाइन क्लासेस के बाद और पीडीएफ फाइल के अलावा भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस का मतलब सिर्फ आपका सिलेबस पूरा करना ही नहीं है। इस ऑनलाइन महाविद्यालय समर्पित है, महाविद्यालय के स्टाफ समर्पित हैं आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। इसी योजना के तहत माननीय प्राचार्य जी ने और हम सभी ने यह शुरुआत की है। इस शुरुआत के दौर में यह इंट्रोडक्शन का आज पहला वीडियो है मेरा। तो एक साहित्यकार ने लिखा कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहा गया है कि जीवन संग्राम है, लड़ना तो पड़ेगा ही, जो लड़ेगा जो चलेगा कुंदन वही बनेगा। तो आपको कुंदन बनाने के लिए, आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए यह ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं, और संबंधित विषय में, यानी मेरा विषय जो SST है, अंग्रेजी है, इसके अलावा आप चाहें और भी विषय में आप पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा, वॉइस कॉल के द्वारा, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा, जिस जैसे भी हो। महाविद्यालय की यह कोशिश है कि आपके सिलेबस को पूरा किया जाए। सिलेबस ही नहीं, आपको पिछले सेमेस्टर में भी जो टॉपिक छूट गया हो या समझ में नहीं आया हो वह भी बताने के लिए हम कटिबद्ध हैं, करबद्ध हैं। और इस वीडियो के साथ को खत्म करते हुए मैं ये कहूंगा कि एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी डॉक्टरों को जो इस महामारी के दौर में सेवा कर रहे हैं, उन सभी पुलिसकर्मियों को, उन सभी अनुचर वर्ग को जो भी इस सेवा में समर्पित हैं। एक दुखद घटना भी हो गई थी, हंदवाड़ा इनकाउंटर में हमारे देश के 5 जवान मारे गए। मैं नमन करता हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके बलिदान को, उनके कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। तो माई स्टूडेंट टीचर, जो भी मुझसे हो सकता है आपके विषय वस्तु में और आपके विषय वस्तु से बाहर, वह मैं बताने की कोशिश करूंगा और जैसा कि बताया बताते चला आया हूं। मेरे विषय वस्तु के अलावा भी आप जिस किसी विषय में आपको परेशानी हो, मैंने जैसा कि कहा कि आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के द्वारा भी आप वॉइस कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।